everyone, you are watching Fade TV and this is your host Samantha Nelson. Program मसीह से मुलाकात में आप सभी को welcome करती हूँ. अजीजो, मसीह से आज की मुलाकात में हम जानेंगे कि मसीह खुदावंद हमें किस तरह की तालीमात देते हैं हमारी ज़िंदगी के ताल्लुक से, क्योंकि रूहानी ज़िंदगी को बसर करने के लिए हमारे निजात दहिंदा की तालीम को हमारी ज़िंदगी में होना और उस पर अमल करना बहुत ही अहम है. आज इस सारे मौजू पर बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ, डॉक्टर सुहेल सैमुअल जी. बस अब शुक्रगुजार हूँ मैं पास्टर सिसल साहब का और उनकी सारी टीम का और खासतौर तौर पर समंथा के लिए जो आज होस्ट के तौर पर फैसला अंजाम दे रही हैं. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ग्रेट कमीशन के लिए पास्टर सिसल जो है वो इस काम में बहुत दिल की गहराइयों से बोझ रखते हैं कि खुदा उनका कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, और इस सिलसिले में जो उनकी टीम है वो भी बड़ी जाफिशानी कर रही है, दिन रात खुदा उनके पैगाम को दूर दूर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर पहुँचाने के लिए जो है वो सरगर्म में अमल है, ताकि बहुत सी रूहें जो हैं खुदा उनके कलाम से इस खुशखबरी के वसीला से जो है वो निजात हासिल करें और उनकी ज़िंदगियों से सरा जलाल खुदा यीशु मसीह को मिले. मैं उनके लिए दुआ करूँ. गॉड ब्लेस यू पास्टर सिसल और उनकी सारी टीम का. जी डॉक्टर साहब, मसीह की तालीम के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी तालीमात हैं, लेकिन आज आप कौन से मौजू पर जो है वो बात करेंगे? मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ पहाड़ी वास के तो अलग से है, और पहाड़ी वास तो वैसे पाँचवें छठे और सातवें चैप्टर में है, लेकिन खसूसी तौर पर मत्ती सातवें बाब की जो है वो 24वीं आयत से ऑनवर्ड जो है मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, ताकि ये जो पैसेज है वो लोग सुने, उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करते हैं. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका सातवां बाब और उसकी 24वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं. बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां आई और उस घर पर टकरें लगीं, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी. और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया. बस जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई क्योंकि वो उनको फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था. क्या मैं आपका पढ़ा सुना जाना सब के लिए बाय से बरकत हो. आपने ये रेफरेंस जो है वो सुना, यहाँ पर दो घर बनाने वाले हैं. खुदा यीशु मसीह इन दो घर बनाने वालों के तअल्लुक से ये पहली तमसील जो है पहाड़ी वास में बयान करते हैं और आगाज इन अल्फाज से किया, जो मेरी ये बातें सुनता है. बातें तो खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी पहाड़ी वास में कही हैं, लेकिन इस चैप्टर के आखिर में हम इस बात को देखते हैं कि कंक्लूजन जो है वो कहाँ पर जो है वो किया जा रहा है. इस बात को बयान करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी गुफ्तगू को करने से पहले तीन चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे गौर होती हैं. नंबर एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका तारफ होता है, और तारफ के बाद जो है वो गुफ्तगू की जाती है, और उसके बाद जो है वो नतीजा या कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है. सो खुदा यीशु मसीह ने तारफ जो सबसे पहले बयान किया, ये सातवें बाब से ऑनवर्ड अगर से थोड़ा सा ऊपरली आयात को आप पढ़े तो वहाँ पर बयान किया कि खुदा यीशु मसीह तमाम गलील के अंदर मनादी करता फिरा, तालीम देता रहा और लोग बीमारों को लाते रहे, और खुदा यीशु मसीह उनकी सारी बीमारियों को कमजोरियों को दूर करता रहा. और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो शुरू हो जाती है. सो
जब हम इस बात को कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं, और खासतौर पर ये रेफरेंस जो मैंने कोट किया है ये पांचवें बाब से ऊपर चौथे बाब की आखिरी आयात हैं जहाँ पर ये बयान किया गया है। अब हमने इस बात को देखना पांचवें बाब में जहाँ पर खुदा यीशु मसीह पहाड़ी वास का बयान करते हैं, लिखा है कि खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और बैठकर उनको ये तालीम देने लगा। सो पांचवा बाब, छठा बाब और सातवां बाब जो है ये पहाड़ी वास का है, और इसके आखिर में जो है वो खुदा यीशु मसीह ने ये उनको तालीम दी है दो घर बनाने वालों को। अब मैं इस बात पर गौर करना बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि हर एक मसीही के लिए ये लाजमी है कि वो जब खुदा के कलाम को सुनता है तो बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि अगर आप खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनते हो, और जैसे इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है यीशु के साथ मुलाकात, तो अगर आप खुदा यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर उसकी बातों को सुनना, अमल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। सो जब आप उसके कलाम को अपने दिल के अंदर उतरने दोगे, अपने कानों में उस कलाम को पेनिट्रेट करने दोगे, तो फिर ये कलाम जो है यकीनी तौर पर आपके दिल में उतरेगा और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है, बुनियाद जो है, वो कलाम मुहैया करेगा। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, तो आप इस तमसील से इस बात को समझें, जाने के अपनी अपनी ज़िंदगी का आपने जायज़ा लेना है, क्योंकि हम भी जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम भी एक घर को तमीर कर रहे हैं। पौलुस जब कुर्सियों की कलीसिया को खत लिखता है, तीसरे बाब की पहली दो आयत बयान करते हुए, तो वहां पर लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दहनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। सो जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं, तो यकीन तौर पर खुदा हमें ब्लेस करता है, हमारी सोचे, हमारे ख्यालात जो है वो उसी की तरफ लगे रहते हैं। खुदा यीशु मसीह यहाँ पर दो घर बनाने वालों की जब बात करते हैं, तो इस बात को आप याद रखें, जैसे मैंने आगाज में कहा कि हम भी घर बना रहे हैं, आप भी जितने सुन रहे हो आप भी घर बना रहे हो। यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं घर बनाने वालों की, एक अपना घर चट्टान पर बना रहा है और दूसरा अपना घर जो है वो रेत पर बना रहा है। और देखना आपने ये है, अपनी जिंदगी का जायजा आपने लेना है कि आप आया अपना घर जो है वो चट्टान पर बना रहे हैं या रेत पर बना रहे हैं। देखने में तो दोनों ही खूबसूरत नजर आते हैं। अगर मैं कहूं कि घरों को अगर आप किसी जगह पर चले जाएं, तो हर शख्स की कोशिश होती है कि वो घर की एलिवेशन जो है, उसका फ्रंट जो है वो अच्छा से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। लेकिन आपने घर यकीनी तौर पर बनते हुए देखे होंगे, बिल्डर्स को बनाते हुए देखे हैं, लेकिन आपने उनकी फाउंडेशन को नहीं देखा कि जब उस घर की फाउंडेशन रखी गई तो वो फाउंडेशन जो है वो कैसी घर कैसी फाउंडेशन है उस घर की। सो जब हम इस बात को देखते हैं कि फाउंडेशन की बात भी करते हैं, तो याद रखें कि वो तो आप देख नहीं रहे क्योंकि वो छुपी हुई है। अब छुपी हुई फाउंडेशन का पता कब चलेगा जिसको आप देख नहीं रहे? इसका पता उस वक्त चलेगा, उसमें नमाया फर्क जो है उस वक्त आप देख पाएंगे जब उस घर पर तूफान आएगा, मी बरसेगा, पानी चढ़ेगा, आंधियां चलेगी और उस घर पर जो है वो टकरे लगेंगी। सो घर की बुनियाद जिस पर तूफान आ जाता है, टकरे लगती हैं, आंधियां चलती हैं, तो फिर पता चलता है कि इस घर की फाउंडेशन जो है वो कैसी है। बारिशों के दिनों में आपने अक्सर इस बात को देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर भी देखा होगा, जब सैलाब आते हैं बहुत से घर जो है वो गिर जाते हैं, और यहाँ तक भी हमने देखा है कि जो उनके चौपाए होते हैं वो भी पानी में बह जाते हैं। सो हमें इस बात पर गौर करना, जानना इंतहाई ज़रूरी है कि आप किस जगह पर अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, आपकी फाउंडेशन कैसी है, क्या रॉकी फाउंडेशन है, चट्टान पर बना रहे हैं या फिर सैंडी फाउंडेशन है, रेत पर अपने घर को जो है वो बना रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये चट्टान है कौन? सो जब हम इस चट्टान की बात करते हैं कलाम मुकद्दस की रोशनी में, आप जबूर 40 भी गाते हैं, अगर आपको मिसरा याद हो,
एक उसमें है कि चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते कदमा नु बख्शी उस्तवारी। सो जब अपने कदम आप चट्टान पर रखते हैं तो यकीनी तौर पर आप महफूज रहते हैं, क्योंकि टकरें जो है वो फिर चट्टान पर लग रही हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन उस घर को नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो घर जो है वो चट्टान पर जो है वो बनाया गया होता है। लेकिन अगर तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है, तो फिर अगर आपने घर रेत पर बनाया है तो फिर वो घर जो है वो गिर जाता है। आगे जाकर हम इस पर भी बात करेंगे कि ये किस तरह से हमारी जिंदगियों पर ये असर पजीर जो है वो चीज़ें होती हैं। सो जब आप चट्टान की बात करते हैं तो पौलुस जब क्रंथस के ईमानदारों को पहला खत लिखता है, उसके दसवीं बाब की तीसरी आयत से अगर पांचवीं आयत तक आप पढ़ो। पहला करिन्थियों उसका दसवां बाब और उसकी तीसरी आयत। और सबने एक ही रूहानी खुराक खाई और सबने एक ही रूहानी पानी को पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जी अगली। मगर उनमें से अक्सर से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। थैंक यू वेरी मच। अब आप देखें कि इस चट्टान की जो बात कर रहे हैं कि ये चट्टान जो है सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, और जब एक ही सब ने रूहानी पानी पिया है और एक ही खुराक जो है हमने खाई है, तो हमने खाया भी रूहानी चट्टान से और पिया भी रूहानी चट्टान से। और ये रूहानी चट्टान पौलुस क्रंथस के ईमानदारों को बयान करते हुए कहता है कि ये रूहानी चट्टान जो है ये खुदा यीशु मसीह है। तो खुदा यीशु मसीह पर जब हम अपना घर बनाते हैं, उसमें हम महफूज हो जाते हैं, तो याद रखें कि खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से हम अपने घर को जो है वो तामीर करते हैं। लेकिन अगर हमारा घर जो है वो खुदा यीशु मसीह में नहीं बना, हमने उसमें तामीर नहीं किया, तो फिर आपको सोचने की बात है। पौलुस जब क्रंथस के ईमानदारों को पहला खत लिखता है तीसरे बाब की दसवीं आयत में, तो वो उनको बयान करते हुए कहता है खबरदार कि वो कैसी इमारत जो है वो उठाता है। अब देखना यह है, घर आप बना रहे हैं, इमारत आप बना रहे हैं, आप कैसी इमारत बना रहे हैं। तो इमारत को बनाने के लिए आप डिफरेंट किस्म के जो है वो मटेरियल्स को इस्तेमाल जो है वो करते हैं। उसमें ईंटें भी आप इस्तेमाल करते हो, उसमें आप सीमेंट भी इस्तेमाल करते हो, उसमें आप रेत को भी इस्तेमाल करते हो, और फिर एक प्रोपोर्शन होती है जिसके मुताबिक आप जो है उस प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है वो आप वो सीमेंट जो है वो तैयार करते हो। तो बाज़ औक़ात हमने देखा है कि सही अगर प्रोपोर्शन नहीं बनाई गई, मटीरियल सही तरह से नहीं लगाया गया, तो फिर वो घर भी गिर जाते हैं, वो बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं, क्योंकि नाकस मटीरियल जो है वो लगाया जाता है। और इसी तरह से अगर हम खुदा के कलाम की बातों पर गौर करें, और अगर मैं इसी को लूँ पहले ग्रंथियों तेरे बाप की ग्यारहवीं आयत को, तो वहाँ पर लिखा है क्योंकि सिवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है और वो मसीह यीशु है, कोई दूसरी नहीं रख सकता। अब ये न्यू जो है, ये फाउंडेशन जो है, इस बात को याद रखें कि ये खुदा यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत खून से जो है वो बनाई है ये फाउंडेशन जो है। और इस फाउंडेशन को, जो पाकीज़गी की फाउंडेशन है, जो पाकीज़ा है, और ये रास्तबाजी की फाउंडेशन है, और इसलिए ये मजबूत है, तो ये कायम कायम रहती है। अगर आप खुदा यीशु मसीह पर, जो ये हमारी न्यू पड़ी हुई है बुनियाद जो खुदा यीशु मसीह ने बनाई है, अगर आप उस पर नाराजगी की इमारत को उठाना चाहते हैं, तो आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकीज़गी की जो फाउंडेशन है, खुदा यीशु मसीह पाक है, क्योंकि उसने वाज़ह तौर पर फरमाया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। रास्तबाजी, मजबूती, और ये बिल्डिंग जो है, ये तमीर का काम जो है, ये इमारत जो है उसमें मजबूत रहती है। और अगर मजीद उससे आगे चलें बारहवीं आयत से, और लिखा है अगर कोई इस न्यू पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या भूसे का रदा रखे, तो उसका काम जो है वो जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसके काम को बता देगा कि उसका काम कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा
वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। सो हमें इस बात को देखना जानना जो है वो इंतहाई लाजमी है कि हम किस तरह से अपनी फाउंडेशन को बुनियाद कर अपनी फाउंडेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं। और अगर आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आपने उस पर अपनी न्यू जो है फाउंडेशन जो है वो नहीं बनाई। तो पहली बात, खुदा यीशु मसीह पर अगर आप अपनी इमारत को उठाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको उस पर ईमान रखना पड़ेगा। खुदा यीशु मसीह पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। खुदा यीशु मसीह पर आपको यकीन रखना होगा, एतमाद करना होगा, तभी आप जाकर खुदा यीशु मसीह की बातों पर जो है वो अमल कर सकते हो। जो आपने शुरू में पढ़ा के ये बातें जो मैंने कही हैं, अगर कोई इन पर अमल करेगा तो वो जो है अपना घर चट्टान पर बनाएगा। सो हमें अपने घर को चट्टान पर तमीर करना है, हमें मसीह यीशु में तमीर होना है। और अगर आज तक आप यीशु मसीह में तमीर नहीं हुए तो फिर अपनी जिंदगी पर आपको गौर करने की जरूरत है। मसीह यीशु में घर तमीर करने से क्या मुराद है? और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि मी का बरसना और पानी का चढ़ना और ये आंधियां जो है जो के घर चट्टान पर बना है उस पर भी आती हैं, तो इससे भी क्या मुराद है? क्योंकि ये घर रूहानी बुनियाद रूहानी तौर पर बनाया जा रहा है, हाथ से बनाया घर नहीं। इस बात को याद रखें कि जब हम इस तूफान की बात कर रहे हैं, आंधियों की बात कर रहे हैं और हवाओं की बात करते हैं, टक्करों की बात करते हैं, तो घर तो दो बने हैं तो टक्करें तो दोनों घरों को लग रही हैं। यहाँ पर क्रिश्चियंस और नॉमिनल क्रिश्चियंस, मैं इसको ऐसे लेता हूं, ठीक है, एक क्रिश्चियंस है मसीही हैं और एक जो नाम के मसीही हैं। तो अब नाम के मसीही और मसीहियों में हमें इस बात को जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब आप हकीकी तौर पर खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हैं, ठीक है, तो जब आप खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हो, उसे कबूल कर लेते हो और उस के मजाज के मुताबिक आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो यकीनी तौर पर खुदा आपको ब्लेस करता है और आपको फजल देता है ताकि आप उसके कलाम पर अमल कर सकें और वो आपकी रहनुमाई भी करता है, क्योंकि रूल कुछ जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है वो हमें सिखाता है। लेकिन जो नॉमिनल क्रिश्चियन है वो सुनता तो है लेकिन सुनकर अमल नहीं करता। इसलिए इसको जब दो कंपैरिजन में हम देखते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें एक बेवकूफ़ है और एक जो है वो अकलमंद है। तो अकलमंद अगर हम कहें कि ये क्रिश्चियंस हकीकी रियल क्रिश्चियंस में बात करूँ, क्रिश्चियन तो वैसे हम जब मसीह घर में पैदा हो जाते हैं तो हम क्रिश्चियन हैं जी, लेकिन बात यह कि रियल क्रिश्चियंस, रियल क्रिश्चियन क्या, आर यू रियल क्रिश्चियन, तो दूसरा नॉमिनल क्रिश्चियंस, तो ये इनमें डिफरेंस जो है वो यहाँ पर बयान किया गया है। और एक जो रियल क्रिश्चियन है उसको अकलमंद कहा गया है और दूसरा जो है जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, ये नाम का मसीह है, वो बेवकूफ शख्स की मानत जो है उसको करार दिया गया है। आपने सवाल किया था कि मसीह में तमीर होने से क्या मुराद है, तो इस सिलसिले में पौलुस जब कुरिन्थियों को खत लिखता है उसके दूसरे बाब की सातवीं आयत में वो कहता है कि उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। यहाँ पर पांच बातों का जिक्र किया गया और पांचों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर लंबी चौड़ी टीचिंग जो है वो दी जा सकती है। पहली बात जड़ पकड़ना, दूसरी बात तमीर होना, तीसरी बात तालीम पाना, चौथी बात ईमान में मजबूत होना और पांचवी बात शुक्रगुजारी करना। ये पांच टॉपिक जो है इसी आयत के अंदर पौलुस बयान कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब तमीर की, तो तमीर का काम जो है याद रखें करने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन पर फिर जाना पड़ेगा। जैसा कि उसमें जड़ पकड़ते जाओ, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो बिल्डिंग के ऊपर ही आप जो है वो ईंटें रखना शुरू कर दो, उसकी फाउंडेशन ऊपर रखना शुरू कर दो, उसकी बुनियाद आपने खोदी नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब बारिश आती है पानी इकट्ठा हो जाता है घरों के अंदर चला जाता है तो वो घर तो गिरेगा साथ दूसरे घर का भी सत्यानाश करेगा। जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, घर ऊपर ऊपर सही तौर पर फाउंडेशन रख देते हैं, तो अक्सर होता है कि जब घर के अंदर पानी भर जाता है तो वो जो सात घर होता है बेचारा उसके वहां से वो नीचे से रिस्क कर जाए दूसरे घर के अंदर चला जाता है और उसको भी नुकसान करता है। सो कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसी हैं कि जो दूसरों का भी सत्यानाश करने वाले बन जाते हैं। सो हमें इस बात को भी देखना है कि इफ यू आर रियल क्रिश्चियंस
और नॉमिनल क्रिश्चियन जो हैं वो एक दूसरे का सत्यानाश ना करें, बल्कि एक दूसरे के लिए वैसे बरकत बने, वैसे तरक्की जो है वो बने, एक दूसरे को हम तमीर करने में उनकी मदद जो है वो करें। जिस तरह तुमने तालीम पाई, आपने तालीम कैसी पाई है? अगर आपने तालीम पाई है तो फिर उसी तरह से आप ईमान में भी मजबूत हो। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज लोग जो है वो हकीकी तौर पर खुदा के कलाम से गहरी दिलचस्पी नहीं रखते। कलाम में वाज़े लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक होते हैं और उनके बुजुर्ग प्यास से जो है वो बेताब हैं। सो इस बात को सीखे जाने के जहालत से हमारे लोग जहालत में असीरी में चले जाते हैं। अगर कलाम की पहचान नहीं तो अबलीस जब हम पर मुकाबला कर हमारा मुकाबला करता है तो फिर हम उसके असीर हो जाते हैं। हम डट कर मुकाबला नहीं करते, लेकिन जब हम मुकाबला करते हैं, कलाम में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो कैसे भागेगा? अगर आप मसीह में स्ट्रांग हो गए तो फिर भागेगा ना। अगर आप मसीह में स्ट्रांग नहीं है, उसमें तमीर नहीं हुए, आपकी जड़ें गहरी नहीं, तो अबलीस का तो काम ही है डिस्ट्रक्शन, अबलीस का काम ही है गुमराह करना। वो तो आपको विद इन सेकेंड्स जो है वो गुमराह कर देगा। और फिर खूब शुक्रगुजारी किया करो, हमें उसका शुक्र जो है वो अदा करना है। इसलिए इन दोनों घरों को देखें, कलाम दोनों ही सुनते हैं, क्रिश्चियन भी सुन रहा है, जो रियल क्रिश्चियन है वो भी सुन रहा है और नॉमिनल क्रिश्चियन भी सुन रहा है। अब बात तो अमल की है। आप चर्च जाते हैं, मैं भी चर्च जाता हूं, बहुत से लोग चर्च जाते हैं, खुदा का बंदा कलाम पेश करता है, लेकिन एक सुनता है अमल करता है, एक सुनता है नहीं सुनता। और मैं तो अक्सर यहां तक कहता हूं कि हमारे लोग जो है अब कलाम को सुन सुन कर सुन हो गए हैं। और कभी आपने गौर किया कि जब टांगे सुन हो जाती हैं, जब उठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम बड़े वो भाई घुटने जब रह जाते हैं तो फिर हम कहते हैं यार उठाना यार मेरी पांव सो गया, मेरी टांग सो गई है। तो इस बात को हमें देखना जानना जो है वो इंतहाई लाजमी है। क्या हम खुदा में तबीर हो चुके हैं? अगर नहीं हुए तो फिर हमें ऐसे अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत है। अब ये जो तूफान है जो मैंने बयान किया, रियल क्रिश्चियंस और नॉमिनल क्रिश्चियंस, इनमें फ़र्क क्या है? अलामत इनकी जो है वो कैसे जाहिर होगी, कैसे पता चलेगा कि ये रियल क्रिश्चियन है, ये नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं? फ़र्क इनमें कैसे पता चलेगा? फ़र्क पता चलेगा तूफान की वजह से। जब तूफान आएगा, मैं और आप बैठे हैं, हमने ड्रेसिंग की है, अच्छे लग, दोनों प्रेज़ द लॉर्ड अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब आपकी फाउंडेशन फ़र्क है, मेरी फाउंडेशन फ़र्क है, गॉड नोज, ठीक है ना। तो फाउंडेशन तो आपने देखनी है कि आपने कैसे फाउंडेशन रखनी है। हर शख्स अपने मुतलक पर्सनल जानता है कि उसका खुदा के साथ रिलेशनशिप कैसा है। सो ये बुनियाद जो है याद रखें, हकीकी तौर पर उस वक़्त ज़ाहिर होती है, उस वक़्त पता चलता है जब तूफ़ान आते हैं। और ये तूफ़ान क्या चीज़ है? ये हमारे ज़िंदगी के प्रेशर्स हैं। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रेशर्स आते हैं, प्रेशर्स बिल्ट होते हैं, और ये किसी सूरत में भी हो सकते हैं, ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में वबा के तलक से भी हो सकते हैं, जैसे आजकल कोरोना का जो सिलसिला जो है वो जारी है और पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस जो है वो जारी और सारी है, और इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। सेकंड कह रहे हैं वेव आएगी, कुछ सुनने में आता है कि थर्ड वेव भी आनी है, लोग हलाक हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये ऐसे प्रेशर्स हैं, लेकिन अगर आप मसीह यीशु में तमीज हो चुके हैं और तमीज हो रहे हैं तो फिर ये प्रेशर्स आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अहमियत नहीं रखते, क्योंकि आप खुदा यीशु मसीह में महफूज हो जाते हैं। नूह के ज़माने में भी तूफान आया था ना, तो क्या खुदा ने कहा था तू अपने लिए कश्ती बना? लोग मजाक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कहते हैं, लेकिन नूह ने खुदा के कलाम की ताबेदारी की, उसने अमल किया जो कलाम खुदा ने उसके साथ किया था। और जब उसने कश्ती बना ली तो उसने कहा पूरा खानदान जो है वो कश्ती में आ जाए, और उसके बाद तूफान आ जाता है, वो लोग जो कश्ती में आ गए, नूह का पूरा खानदान वो महफूज हो गया। आज भी जो लोग खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो खुदा यीशु मसीह का अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, वो महफूज हो जाते हैं। और मैं अक्सर ये कोविड 19 का जो नाम चलता है, मैं अक्सर कोविड के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, सी फॉर क्राइस्ट, ओ फॉर ओवर, वी फॉर वायरस, आई फॉर इन्फेक्शन, डी फॉर डिजीजेस। सो क्राइस्ट ओवर इन्फेक्शन डिजीजेस। सो खुदा यीशु मसीह जो है ये तमाम बीमारियों वबाओं हालात के ऊपर है,
वो तूफानों के ऊपर है, वो तूफानों पर चलना शुरू कर देता है, और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो हम भी तूफानों पर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी निगाहें खुदाओं से हट जाती हैं तो फिर हम उन तूफानों में, उन सैलाबों में जो है वो डूबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो नजरें हैं, निगाहें जो है वो तूफानों पर लग जाती हैं, मसाइल पर लग जाती हैं। लेकिन जब तक आपकी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर लगी रहती हैं, आप पानी के ऊपर भी चलना शुरू कर देते हैं। ये उसमें तमीर होने की बात है। मायूसी हम में नहीं भी रहती, लेकिन आज के दौर में देखें कि अगर हम मायूस हैं, अगर आप परेशानी में हैं, दुखों में हैं, मसाइल में हैं, क्यामतें दहशतें आपको घेरे हुए हैं, तो फिर अपनी फाउंडेशन पर गौर करें कि आपकी फाउंडेशन कैसी है। रेत पर अपने घर बनाया है या चट्टान पर बनाया है? और आज के दौर में मैं इस बात पर बयान करना चाहता हूँ, ये प्रेशर जिंदगी के हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारी बेटियां हो सकती हैं, बेटे हो सकते हैं जो खुदा से बहुत दूर हैं, शादियों का मसला, उनके अज़दवाज का मसला सारा, और उनकी जॉब्स का मसला खासतौर पर करना के इस सारे दौर के अंदर बहुत से लोगों की नौकरियां जो है वो जॉब्स छूट गई, माशी तौर पर वो सारे लोग जो है परेशान हो गए। लेकिन जो जो खुदा में महफूज हुआ, खुदा ने उनके लिए वसाइल भी मुहैया किए और खुदा ने उनको संभाल कर भी रखा। मटीरियल आपने अपनी जिंदगी में कैसा इस्तेमाल करना है अपनी तमीर के अंदर, अगर तो मटीरियल आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, यशुआ पहला बाब आठवीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन रात तेरा ध्यान जो है उसी पर रहे, तभी तू खूब कामयाब होगा। इसका मतलब है मेरी आप सबकी कामयाबी का राज खुदा यीशु मसीह के कलाम पर है, और कलाम जब हम अंदर रख लेते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ये नहीं कि अपने घर की किसी दीवार पर रख दिया है या बॉक्स पे रख दिया है या शेल्फ में रख दिया है, नहीं, अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा आज भी उन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाकीज़गी के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और मैं इस तमीर के अंदर, अगर आप इस तमीर को, ये नॉमिनल क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, रियल क्रिश्चियंस तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। सो ये ईंटें जो मैं बयान करना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? इसमें ईंटें, आप कैसी तमीर में ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने अक्सर देखा सुना कि कुछ लोग जो है अपने रोजगार को उन्होंने शराब बना रखी है, वो शराब बेचते हैं और शराब से कमाई करते हैं, शराब नोशी जो है बहुत ज्यादा है। और अगर आप ऐसी ईंटें रख रहे हो, ऐसा घर बना रहे हो, शराबी लिखा है, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि अगर मैं ये रेफरेंस भी आपके सामने पढ़ दूं, पौलुस कुरिन्थियों के ईमानदारों को एक खत लिखते हुए 5:9-10 और 11 आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? इसका मतलब ये शख्स तो अपना घर रेत पर बना रहे हैं, ये तो घर वैसे ही गिर जाएगा, क्योंकि कलाम वाज़े बयान करता है, फरेब ना खाओ ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, बदकार भी नहीं, हरामकार भी नहीं वारिस होंगे, ना बुत परस्त। ये सारी वो ईंटें, मैं कहता हूं कि तमीर में हम वो ईंटें इस्तेमाल करते हैं। अगर अपनी घर की तमीर के लिए आप ऐसी ईंटें इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर समझे कि अपना घर आप रेत पर बना रहे हो। ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। पास तुम्हें ऐसे भी थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम और हमारे खुदा यीशु मसीह के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसी जिंदगी बसर कर रहा है, आप में से जो इस कलाम को सुन रहे हो, तो याद रखें खुदा यीशु मसीह को आज ही अपनी जिंदगी आप दे दें और उसे कहें, खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। और याद रखें खुदा यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। और जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो फिर जो वर्ष मैंने आपके सामने कोट की है, 1 कुरिन्थियों 5:11, बास तुम में से ऐसे भी थे, कुरिन्थस की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे, लेकिन हम इस बात को देखते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए और उसके अब रूह से धुल गए तो फिर पाक भी हुए और आसपास भी ठहरे। इसलिए हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई जरूरी है, हम खुदा यीशु मसीह में अपनी बुनियाद को मजबूत करें, सतही बुनियाद नहीं बल्कि गहरी मजबूती जो है वो हम खुदा यीशु मसीह में जो है वो लाएं। हवाला एक आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ लोग कलाम को सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। आप चर्च से बाहर निकले, अच्छा यार वो
बताना जरा क्या भाई साहब ने कलाम दिया? वो हम ये तो कहते वाह जी भाई साहब ने बड़ा जबरदस्त कलाम दिया, क्या बात है, बड़े मजा है, जरा पूछ ले जरा थोड़ा सा बताना क्या कलाम दिया। वो यार तो याद ही नहीं, पता नहीं क्या कलाम दिया। तो ऐसे लोगों के लिए मैं वाला आपके सामने रखना चाहता हूँ यकूब पहला बाप उसकी 25वीं आयत। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। वो सुनकर भूलता नहीं है बरकत। अगर आप बरकत चाहते हैं कि कलाम के वसीला से, खुदा की कुदरत के वसीला से, तो फिर याद रखें आपको ये कलाम सुनकर उस पर अमल भी करना है और बरकत भी पाना है। और आखिरी आयत कोट करना चाहता हूं, फिर बाप भी हमें सुकूनत करेगा, बेटा भी हमें सुकूनत करेगा। यूहन्ना के इंजील 14वां बाप उसकी 23वीं और 24वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो मेरे कलाम पर भी अमल करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, सब लोग ही खुदा से मोहब्बत करते हैं, मैं करता हूं खुदा से मोहब्बत, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो फिर अमल कोई नहीं करता। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है और मेरा बाप उससे मोहब्बत करेगा, बाप भी उससे मोहब्बत करेगा और हम उसके पास आएंगे। कैसा जबरदस्त वादा है, हम उसके पास यानी बाप और मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ सुकूनत करेंगे, यानी कि उसके साथ लाके रहेंगे। तो खुदा बाप और खुदा बेटा हमें सुकूनत करना चाहता है और रूह कुछ सब वैसे ही खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे दूसरे मददगार को भेजूं जो रूह कुछ है। तो इसका मतलब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुछ हमें सुकूनत करेगा, हमें रहेगा। जब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुछ हमें ठहरेगा तो फिर याद रखें जब बाप ही मेरे पास है, बेटा भी साथ है, तो फिर मुझे किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। और आगे बयान करता है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर भी अमल नहीं करता। आप इस बात को जाने, अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हो तो फिर उसके कलाम पर आपको अमल करना है। तो इसका मतलब है कि आप मोहब्बत भी नहीं रखते अगर खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। और जो कलाम को सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है, बाप ने मुझे भेजा है। और जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, और किसी ने क्या खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अगर आप अपनी जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो फिर खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दें, उसको जड़ पकड़ने दें, अपने आप को उसमें तामीर करें ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, तो याद रखें वही आपका हौसला होगा, उसका फजल आपके लिए काफी होगा। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का गहरा फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद ने आपको बहुत भरपूर तरीके से जो है इस्तेमाल किया और आपके वसीला से जो कुछ भी आज हमने सीखा है, मैंने भी बहुत कुछ इसमें से सीखा, क्योंकि ये वो खुदावंद यीशु मसीह की पहली तमसील और इसी से इतनी सारी बातचीत का होना और सीखना। यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी आज के सारे सर्मन से, कलाम से, जो मसीह से आज की मुलाकात में हम सबों से हुआ है, बहुत कुछ सीखा होगा और यकीनन बरकत पाई होगी। ना सिर्फ इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में बरकत पाने के लिए बल्कि अपनी निजात के लिए भी इस काम को अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर के आए, ताकि खुदावंद आपके वसीला से भी बहुत से लोगों की जानों को बचाने वाला काम कर सके। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को अमल में नहीं रख सकते तो याद रखें कि आपका कलाम सुनाना फिर बेफायदा हो जाएगा अगर आपकी खुद की ज़िंदगी में इसका अमल नहीं है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं तो उसके कलाम पर अमल करना भी उतना ही लाजमी है। आज के इस सारे कलाम से जो कुछ भी आपने सीखा है और जो कोई बात आप में कमी थी, वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने आज के कलाम से क्या कुछ सीखा है और क्या आप तब्दीली अपने अंदर मज़ीद चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे आने वाली नई वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फेथ टीवी से सर बरकत पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हमारा वक्त ख़त्म होता है यहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।